श्री भगवंत मान, बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे एयरक्राफ्ट 2020 जो अमेंडमेंट बिल है उस पर बोलने का मौका दिया। बहुत 1934 का ये कानून है और अमेंडमेंट्स जो हैं हम वेलकम करते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर रोज बदल रही है तो कानून भी अपडेट रहने चाहिए। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, कि जो यात्रियों की सुरक्षा है वो उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कई बार प्राइवेट एयरलाइंस जो हैं वो ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कई सिक्योरिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ वो कंप्रोमाइज करते हैं। एक एयरक्राफ्ट भी बहुत बिजी है, एक एक दिन में 5-5, 6-6 डेस्टिनेशन पर जाता है, तो कई बार वो जल्दबाजी में उतना उसकी चेकअप या इंजीनियर्स को उतना टाइम नहीं मिलता कि उसको प्रॉपर तरीके से चेक किया जाए, क्योंकि ऐसी घटनाएं पिछले कई दिनों में हुई हैं कि इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी टेक्निकल जो तकनीकी खराबी की वजह से, ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर दो पे मैं ये कहना चाहूंगा सर, जब कोई कुदरती आपत आती है या कोई कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि लोगों को जल्दबाजी में अपने घर वापस जाना, जैसे अभी कोरोना है, बहुत से लोग जो हैं वो कोई हैदराबाद है, कोई बेंगलोर है, कोई स्टूडेंट्स हैं, उनको कह दिया गया है अथॉरिटीज की तरफ से कि आप घर वापस चले जाइए, तो ऐसे में मजबूरी का फायदा उठाती हैं एयरलाइंस। 20-20 हजार, 25-25 हजार तक की टिकट जो महंगी हो जाती है। सर, हरियाणा में जब जाट आंदोलन हुआ था तो पंजाब से दिल्ली का रास्ता बंद हो गया था, 40-50 हजार रुपए तक की टिकट चंडीगढ़ से दिल्ली तक की थी। तो गवर्नमेंट को ऐसे एयरलाइन जो है वो ब्लैकमेल ना करे, मजबूरी का फायदा ना उठाए, इस पे चेक रखना चाहिए। एक और बात है सर, चंडीगढ़ और अमृतसर दो एयरपोर्ट हैं जो नाम के ही इंटरनेशनल हैं, कोई शारजा को जाती है फ्लाइट, कोई दुबई को, पूरी दुनिया में पंजाबी बसते हैं सर। चंडीगढ़ को अमृतसर को वैंकूवर से जोड़ो, टोरंटो से जोड़ो, एसएफओ से जोड़ो, मेलबर्न से जोड़ो, पूरी दुनिया में पंजाबी बसते हैं। एक और बात मैं कहना चाहूंगा सर, बोइंग में सियाटल में बोइंग का जो हेड ऑफिस है, 40% से ज्यादा इंजीनियर जो भारतीय हैं, और आपको जानकर खुशी भी होगी कि जो एयरफोर्स बन रहा है, जो सर 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 जो अमेरिका के राष्ट्रपति एयरफोर्स वन यूज करते हैं, नया बन रहा है, उसका सुपरवाइजर रंजीत सिंह वो पंजाबी है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे भी हम अपना अपने जो जहाज बनाने की जो कंपनियां हैं वो बनाएं, ताकि